बिजनौर में सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं ने की हिंदू समाज के लोगों की सुरक्षा की मांग। तहसील पहुंचकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दर्जनों किसानों को हरियाणा पुलिस ने यूपी हरियाणा बॉर्डर पर रोका। धान की फसल बेचने जा रहे थे किसान कर रहे हैं भारी दिक्कतों का सामना। ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या पर पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन। पीड़ित परिवार ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने की आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। बिहार के मधुबनी में अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बैठक में एसपी और एसडीएम भी मौजूद। प्रत्याशियों को दी गई कड़ी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देवभूमि में प्रकृति का कहर। जी हां, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड में आसमान से बारिश के रूप में आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से कई घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पर्यटकों और चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो मौसम का ध्यान रखें। तो ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार 2 से 3 दिनों से बारिश होने पर उफान पर नदियां हैं, सड़कों पर सैलाब पानी का देखा जा सकता है, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से भूस्खलन भी लगातार जारी है। ऐसे में उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। अब तक आपको बता दें कि बारिश और बाढ़ से पूरे उत्तराखंड में 16 लोगों की जान भी जा चुकी है। सोमवार को भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हुई, वहीं आज 11 और लोगों की जान गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सीएम ने कहा है कि सेना से सहायता ली जा रही है और सेना के 3 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए भी लगाया गया है। आपको बता दें, कुमाऊं में 2 और गढ़वाल मंडल में 1 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगा। वहीं सीएम ने कहा कि हर हालात पर नजर रखी जा रही है, साथ ही सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दूरभाष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और संचालित बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। ऐसे में प्रधानमंत्री ने प्रदेश को हर आवश्यक सहयोग दिए जाने के प्रति आश्वस्त भी किया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को स्थिति के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है। ऐसे में शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो ये 4 तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में किस तरह से यह आसमान से आफत बरस रही है। नदियां नाले पूरी तरह से उफान पर आ गए हैं। सड़कों पर जिधर देखें उधर ही सैलाब पानी का नजर आ रहा है। लोगों के क्या घर क्या सड़कें, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। साथ ही पहाड़ों पर भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश किस तरह से बरस रही है आफत बनकर, ये तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इंसानों से लेकर जानवरों तक को भारी दिक्कतें हो रही हैं। 16 लोगों की पूरे उत्तराखंड में जान जा चुकी है। ऐसे में 5 लोगों की कल जान गई जबकि 11 लोगों की आज उत्तराखंड में जान गई है। डेथ का आंकड़ा है कल 2 दिनों से लगातार मिलाकर 11 लोगों का आज आया है, 5 लोगों का कल आया था और कुछ लोगों का अभी दबे होने की भी आशंका है कि दबे हैं अभी क्लियर, जैसे जैसे मौसम साफ होगा, क्योंकि मौसम विभाग कह रहे हैं कि आज शाम तक जो है ये मौसम साफ हो जाएगा, बरसात कम हो जाएगी, जो मौसम की हम लोगों ने जानकारी ली है। तो ऐसे में उत्तराखंड में आसमान से ये आफत बरस रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश उत्तराखंड में पड़ रही है। आपको बता दें कि मानसून जाते जाते लोगों को भारी दिक्कतें देकर जा रहा है। ऐसे में ये नदियां किस तरह से उफान पर आ गई हैं, जलस्तर किस तरह से नदियों का बढ़ता जा रहा है, ये तस्वीरें
साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। लोगों को तमाम परेशानी हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में स्कूल और कई चीज़ों को बंद करने का फैसला भी लिया गया है। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड के हालात पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं, लगातार हर पल की जानकारी मुख्यमंत्री से ले रहे हैं प्रधानमंत्री, और हर संभव मदद देने का आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो बारिश तो पड़ रही है, ऐसे में अब तक आपको बता दें कि 3 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से उत्तराखंड में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। और आज कई जगह से तस्वीरें आई जहां पर ये सड़कों पर सैलाब भी दिखा पानी का। चलिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, जिस तरह से उत्तराखंड में 3 दिन से लगातार बारिश जारी है और ऐसे में कई लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है, क्या घर क्या सड़कें सब तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, अभी ताजा हालात कैसे हैं उत्तराखंड के? जी बिल्कुल, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही प्रदेश में जिस तरीके से तूफान हुआ और उसके साथ ही बरसात के बाद जो नुकसान देखने को मिला, कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा प्रदेश को होगा, खासतौर से उन जिलों को जो दूर दराज के जिले हैं, पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो नैनीताल जनपद की बात कर ली जाए, चमोली जनपद की बात कर ली जाए, रुद्रप्रयाग जनपद की बात कर ली जाए, और खासतौर से जो ऑल वेदर रूट के जो मार्ग हैं उन रास्तों में सबसे अधिक नुकसान देखने को मिला। अगर नैनीताल जनपद की बात कर ली जाए तो बादल फटने जैसी बड़ी घटना नैनीताल जनपद में हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई दौरा उस क्षेत्र का किया। हालांकि मुख्यमंत्री को आज दिल्ली दौरे पर जाना था, लेकिन क्योंकि एक बड़ा आपदा जैसी स्थिति प्रदेश में हुई तो उनका दिल्ली दौरा रद्द कर दिया गया और वो अब हवाई मार्ग से उन पूरे क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार कितना नुकसान प्रदेश के उन क्षेत्रों को हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो मलबे में दबे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस विभाग द्वारा और SDRF की टीम लगातार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की ली जाए चमोली जनपद की, तो ऑल वेदर रोड का वहाँ काम चल रहा है। इसके साथ ही चार धाम यात्रा के जो यात्री हैं वो उस रोड पे लगातार आवाजाही कर रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं सड़क बाधित होने के बाद। बिल्कुल सुभाष, लेकिन देखिए मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी, पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि 18 से 20 तारीख के आसपास भारी बारिश होगी उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद भी तैयारियां नहीं की गई थी, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तैयारियां सरकार की तरफ से कर ली गई थी, यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, यानी कि कहा जा सकता है 2 दिन के लिए बंद कर ही दिया गया था। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच चुके थे, जो लगभग शहरी क्षेत्र से लगभग 200 मीटर 500 मीटर के आया इर्द गिर्द थे, उनको तो रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये कहा जा सकता है 200 किलोमीटर आगे चले गए थे पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो चमोली जनपद में पहुंच गए हों, रुद्रप्रयाग जनपद में पहुंच गए, तो उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने का लगातार सरकार कर रही थी, प्रशासन कर रहा था, पुलिस बल इसको लेकर लगाया गया था। लेकिन क्योंकि आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश ये की जा रही थी कि यात्रियों को किसी सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए। हालांकि यात्री बीच रस्तों में फंसे हुए थे, उनके साथ ये इस तरीके की घटना देखने को मिली। लेकिन बिल्कुल सुभाष, लेकिन देखिए उत्तराखंड में लगातार पर्यटक भी पहुंच रहे थे घूमने के लिए, चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का भी आना जाना काफी भारी संख्या में था। तो अब ऐसे कितने लोग हैं जो रास्तों में फंसे हुए हैं और कितने लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, ये कहना साफ नहीं होगा कि लोग फंसे हुए हैं, लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं, लोग रुद्रप्रयाग जनपद के बाजारों में हैं, लोग श्रीनगर के बाजारों में हैं, लोग चमोली जनपद के बाजारों में हैं, वो एक सुरक्षित स्थान है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, खासतौर से उन सड़कों पर जो बाधित हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हाईवे की बात कर ली जाए, चाहे वो केदारनाथ हाईवे की बात कर ली जाए, या फिर यूं कहें लेन मार्ग जो होते हैं, चाहे वो चमोली जनपद के गैरसैंड का मार्ग हो, बागेश्वर का मार्ग हो, ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और प्रशासन की टीम और PWD की टीम जल्द से जल्द इन रस्तों को खोलने की कोशिश कर रही है। हालांकि लोग अभी सुरक्षित हैं, बड़ी चीज ये है कि जिन स्थानों पर बादल फटे, चाहे वो नैनीताल जनपद की बात कर ली जाए, तो उन स्थानों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, जो नुकसान होगी उसकी भरपाई राज्य सरकार और जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल सुभाष, और लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति है, इसको देखते हुए स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, तो कब तक के लिए स्कूल बंद करने का ये फैसला लिया गया है?
जी बिल्कुल, क्योंकि अलर्ट मोड पर रखा गया था प्रदेश को, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। राज्य सरकार ने आपदा विभाग की बैठक की और उसके बाद इस निर्णय लिया था कि चार धाम यात्रा को भी स्थगित किया जाएगा, बच्चों को भी 2 दिन के लिए स्कूल स्थगित कराया जाएगा खासतौर से पूरे प्रदेश में। लेकिन आज जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में मौसम खुला है तो कहा जा सकता है जल्द ही जो कक्षाएं हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन बड़ी चीज यह है कि चार धाम यात्रा तब शुरू होगी जब पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। जी चलिए सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में बारिश आफत लेकर लोगों के लिए आई है, इंसानों के साथ साथ जानवरों की जान पर भी शामत आई है। ऐसे में उधर प्रधानमंत्री भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में हैं और हर नुकसान और हर जानकारी के बारे में वो बारीकी से बात कर रहे हैं उनके साथ, और ऐसे में हर मदद का संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि लगातार जो भी समस्या आ रही है उसको देखते हुए हम जो भी मदद होगी वो कर देंगे पूरी तरह से, ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो ऐसे में ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदियाँ उफान पर है, भारी बारिश उत्तराखंड में हुई थी, 2 से 3 दिन से लगातार भारी बारिश जारी है। ऐसे में घरों से लेकर सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, पहाड़ों पर भी लगातार भूस्खलन जारी है, कई रास्ते अभी तक बंद हैं जहां पर भूस्खलन है, लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है इधर से, और ऐसे में रास्तों को दोबारा से खोलने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। चलिए चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, चमोली में कैसे हालात है? लगातार 2-3 दिन से बारिश पड़ रही है और ऐसे में चमोली की तस्वीर अभी कैसी है? बिल्कुल देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग का जो 48 घंटे का अलर्ट था 2 दिन का अलर्ट था, जनपद चमोली की अगर पारुल मैं बात करूँ तो जनपद चमोली का इस समय का जो आंकड़ा मैं आपको दे दूँ, जो नेशनल हाईवे है इसको तो यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है, लेकिन जो टंगरी जोशीमठ और बद्रीनाथ का जो इलाका है ये अभी भी बंद है और यात्री यहाँ पे हजारों की संख्या में यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने लगातार इनकी व्यवस्था तो की है। हालांकि पारुल में कल तक चमोली का पूरा जो 9 के 9 ब्लॉकों है, 9 के 9 ब्लॉकों का आंकड़ा आपको दे दूं कि इस समय जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो 21 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं और नारायणबगड़ और थराली और देवाल और यहाँ पे जो है भारी भूस्खलन भी हुआ है। और गैरसैंण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मालकी की ऐसी जगह है, यहाँ पे 2 से 3 गौशालाएं जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें कुछ मवेशी दब गए हैं। वही हाल जो है टंगरी जोशीमठ का है कि यहाँ पे भी कुछ मवेशियों की मरने की आशंका जो जताई जा रही है। हालांकि थराली और जो नारायणबगड़ का एक एरिया है, थराली में भारी भूस्खलन यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे कुछ मकाने भी यहाँ पे भूस्खलन की चपेट में आ गई है। और हालांकि जो नेशनल हाईवे हमारा है जोशीमठ और बद्रीनाथ का इलाका है, लामबगड़ में भारी मलवा आने से जो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो गाड़ियों का जो जेसीबी के माध्यम से निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग अलर्ट करता है। बिल्कुल पुष्कर, देखिए पूरे उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है इस बारिश और बाढ़ की वजह से, क्या चमोली में भी किसी की जान गई है? बिल्कुल देखिए पारुल, अभी ऐसी छूटमुट की घटनाएं नहीं है, चाहे जानमाल की जो घटनाएं हैं ये अभी सामने नहीं आई। हालांकि यहाँ पे घर ढहे हैं या आपके जो है मवेशी यहाँ पे मरे हैं, जो क्योंकि दूर दूर लोगों की जो गौशालाएं होती है तो ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे भारी भूस्खलन की जो संभावना जताई जाती है। लेकिन अभी तक जो है जो आपने जो आंकड़ा दिया कि 16 से अधिक लोगों की जो मृत्यु होगी, ये कुमाऊं क्षेत्र का, क्योंकि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में जो है जमकर जो बारिश हुई। हालांकि इस समय का जो मौसम का अपडेट है, आप मौसम इस समय होकर जो उत्तराखंड के सीएम है इस समय पुष्कर सिंह धामी, वो इस समय रुद्रप्रयाग में हवाई सर्वेक्षण इन्होंने किया है, उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि वो चमोली का हवाई दौरा भी करेंगे, लेकिन वो इस समय है रुद्रप्रयाग का जो हवाई सर्वेक्षण उन्होंने, क्योंकि पारुल सबसे बड़ी जो विडम्बना है, सबसे बड़ी जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी वो श्रीनगर धारी देवी और के एरिया में, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी फंसे, यात्री भी फंसे थे और जो लोकल यात्री हैं ये भी फंसे, तो इसका सर्वेक्षण जो है पुष्कर सिंह धामी ने, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण अभी अभी किया है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि 2 दिन पहले जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया था और उसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें प्रत्येक चाहे वो चमोली के डीएम हो, चाहे रुद्रप्रयाग के हो, चाहे आपके कुमाऊं के केंद्र का लगा दो, चाहे बागेश्वर नैनीताल, सबसे मीटिंग की थी। उसके बाद जो है जिस तरह से मौसम ने लगातार जो कह रहा भारी रहा, आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो आपका क्वाड गोदाम में जिस तरह से ट्रेन की पटरी का जो इलाका है वो पूरा बह गया है और आपका गोला जो मंदिर है हल्द्वानी जो पे बिल्कुल पुष्कर, जिस तरह से जानकारी लगातार आप दे रहे हैं कि कहीं कहीं पर मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, भूस्खलन भी कई जगह पर हुआ है, कई जगह पर
काफी नुकसान हुआ है, तो कितने लोग अभी फंसे हुए हैं और कितने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? बिल्कुल देखिए पारुल, अगर हम चारधाम यात्रा की बात में यात्रियों की बात करें तो यात्रियां तो ऋषिकेश में ही ब्लॉक कर दी गई थी, लेकिन जो लोग यात्रा पे चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे वो आपका केदारनाथ हो या गंगोत्री हो यमुनोत्री हो, इसके लिए प्रशासन ने किसी मुस्तैदी से यहाँ पे तैयारी की थी और जिन यात्रियों को होटल में ठहरा दिया गया था, खाने पीने की व्यवस्था जो है शासन द्वारा प्रशासन द्वारा यहाँ पे कराई गई थी। हालांकि जिस तरह से मैं बद्रीनाथ का आपको आंकड़ा देता हूँ कि यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, ये लोग यहाँ पे 10,000 से ऊपर जो लोग जो है बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं और अभी रोड खुलने का इंतजार करें क्योंकि मौसम धीरे धीरे समय साफ हो रहा है। अचानक धूप तो नहीं खिली है लेकिन हल्की धूप इस समय खुली है। केदारनाथ की अगर बात की जाए तो केदारनाथ में जो सोनप्रयाग वाला इलाका है, यहाँ पे यात्रियों का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यात्रा सोनप्रयाग से ऊपर पैदल जाती तो वहाँ पे रोका जा रहा है, केदारनाथ को यात्रियों को नहीं भेजा जा रहा है। यदि मौसम साफ होगा तो केदारनाथ की यात्रा तब खोली जाएगी। हालांकि बद्रीनाथ में समझ 10,000 से ऊपर लोग फंसे हुए हैं। अगर गंगोत्री यमुनोत्री की बात करी जाए तो ऋषिकेश में पूरे यात्रियों को रोका गया, जो लोग यहाँ पे पहले आ चुके थे उन लोगों को ही यहाँ पे रोका गया है और जो अब यात्री जब मौसम धीरे धीरे साफ होगा जो यात्री लोग अब आएंगे तो इनको भी सतर्कता बरतने की यहाँ पे सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा यहाँ पे अलाउंस वगैरह माइक के द्वारा अलाउंस किया गया है कि आप लोग जब मौसम साफ होगा, रोडें सड़कें साफ हो जाएगी, क्योंकि NH-57 लगातार बाधित हो रहा है, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपदा की दृष्टि से भी पूरा जनपद। चलिए ठीक है पुष्कर, ठीक है पुष्कर, आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से आफत ये बारिश बनकर आई है, इसीलिए तमाम जगहों से हम हमारे संवाददाताओं को जोड़ रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है, ताजा हालात क्या हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचा सके, क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश होने के बाद उत्तराखंड में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। लगातार नदियां उफान पर हैं, लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। रविवार से अचानक मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद शुरू हुई बारिश ने चारों ओर तबाही मचाई हुई है। अभी तक राज्य में 12 सड़कें, जिनमें से 7 स्टेट हाईवे और 5 नेशनल हाईवे बंद हैं। ऐसे में प्रदेश में करीब 150 से ज्यादा लिंक मार्ग भी बंद हो चुके हैं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी हैं। ऐसे में रविवार से शुरू हुई बारिश मंगलवार तक नहीं थमी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलेंग के पास दुकानों में अचानक मलबा घुस गया। पहाड़ों में भारी मात्रा में मलबा और पत्थर दुकानों के अंदर घुसे, जिसकी वजह से दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये 4 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। ऋषिकेश में हालात देख सकते हैं बारिश के बाद कैसे बने हुए हैं, कि बोट से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। चमोली में किस तरह से नदियां उफान पर हैं, ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। पौड़ी में भी कैसे हालात हैं, ये भी देखा जा सकता है। वहीं बिंदु खत्ता में लोगों के घरों में कितना पानी और किस तरह से भरा हुआ है, ये भी तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। तो पूरे उत्तराखंड में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिन दुकानों में काफी नुकसान हुआ है, दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे में जो दुकान के मालिक हैं, उन्होंने अपने सामान को आनंद फानन में सुरक्षित स्थान पर रखने की कोशिश की। वहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर गए। ऐसे में BRO का ट्रक भी पूरी उसमें क्षतिग्रस्त हो गया। गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने से ऋषिकेश का रायवाला के पास भी गंगा के टापू में 20-22 से तक व्यक्ति फंस गए थे, जिनको निकाल लिया गया है। मामला ये कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि हमारे गौरी माफी रायवाला में राम मंदिर के पास कुछ लोग टापू में फंस गए हैं, भूजल लोग हैं। तो इस सूचना पर हम यहाँ आए तो देखा हमने यहाँ पर कि नदी का पानी बहुत तेज है, गंगा नदी का पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था और कुछ लोग टापू में फंसे थे। SDRF की मदद से इनको सकुशल बचा लिया गया है और 20 से 25 लोग हैं ये, इनको सकुशल, बाकी इनके जो जानवर है वो भी सुरक्षित हैं और सारे लोग सुरक्षित हैं। चलिए ऋषिकेश से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ऋषिकेश में अभी कैसे हालात हैं? केंद्रीय जल आयोग से बात हुई तो उन्होंने बुलाया कि देवप्रयाग से पानी कम होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर भी पानी कम हो जाएगा और जो जब गंगा का जलस्तर है तो एकदम धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद ही यहाँ पर थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल गंगा के किनारे जाने के लिए सब लोगों को रोक दिया और अपनी बैरिकेड लगा के
पुलिस खड़ी कर दी गई है कि कोई भी गंगा के समीप ना जाए जिससे कोई दुर्घटना का अंदेशा ना रहे। बिल्कुल संजय, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो चार धाम के लिए श्रद्धालु जा रहे थे उन्हें सबसे ज्यादा ऋषिकेश में ही रोका गया है, तो कितने की संख्या में वहां पर श्रद्धालु हैं जो अभी भी मौजूद हैं? हाँ जी, यहाँ पर क्योंकि ऋषिकेश चार धाम यात्रा का द्वार कहलाता है और यहाँ पर जो लोग जो जाने वाले चार धाम यात्रा के जो यात्री होते हैं वो ऋषिकेश होकर ही जाते हैं। ज्यादातर जो गाड़ियों का संचालन है वो भी ऋषिकेश ही होता है और यहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल बैरिकेड कर लगा के रोक दिया गया जो भी लोग जा रहे थे और ना ही बुकिंग की जा रही थी कि कोई भी बुकिंग ना ली जाए। एक जो चार धाम यात्रा के लोग हैं और जो अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं उनको रोक दिया गया कि इसलिए कि ऊपर जो है खतरा का अंदेशा था और सरकार के जो निर्देश थे उसके हिसाब से उनको ऋषिकेश रोक दिया गया। काफी लोग परेशान भी रहे और कुछ लोग वापस लौट गए। लगभग 280 लोग के लगभग लोगों को रोका गया था। बिल्कुल संजय, अगर नुकसान की बात करें तो देखिए बाढ़ और बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ऋषिकेश में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है और कौन कौन से वो रास्ते हैं जो अभी भी बंद हैं और आगे आने वाले कुछ घंटों तक बंद रहेंगे या फिर खुल जाएंगे? ऋषिकेश में रास्ते तो कोई बंद नहीं है, लेकिन इतना है कि जो ऋषिकेश से आगे जाएंगे तो पहाड़ स्लाइड मतलब जो पहाड़ है उनमें लैंड स्लाइडिंग हुई है और वहाँ पर रास्ते बंद हो गए हैं। ज्यादातर इंटीरियर में है और क्योंकि गंगा के फ्लो से बाहर दरकने लगते हैं पानी क्योंकि ज्यादा आया था तो वो रास्ते बंद है। और दूसरा जो यहाँ पर पानी घुसा है, यहाँ एक जगह है चंद्रभागा के किनारे एक नदी है उसके किनारे बस्ती है, उस बस्ती में पानी घुस गया था और बस्ती में। चलिए ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से क्या हालात हैं ये अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं, इसीलिए तमाम जगहों के संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि अभी के ताज़ा हालात क्या हैं, ताज़ा स्थिति वहां की क्या है वो जानकारी डायरेक्ट आप तक पहुँचा सके। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से ये बारिश आफत बनकर आई है, लोगों के सामने परेशानियाँ तो खड़ी ही हैं, ऐसे में लोगों के को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। कई जगहों पर तो लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो कई लोगों के वाहन भी पानी में बह गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। राज्य आपात संचालन केंद्र के मुताबिक नैनीताल जिले में बीती रात हुई बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 17 लोगों की जान जा चुकी है। बादल फटने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, साथ ही राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। वहीं घायलों को भी मलबे से निकाल कर बचा लिया गया है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का कहना है कि नैनीताल और उद्धम सिंह नगर में चल रहे बचाव कार्यों को तेज करने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जाएगा और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक रामनगर रानीखेत मार्ग स्थित लेमन ट्री रिजॉर्ट में करीब 100 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, वो सभी सुरक्षित हैं और उन्हें बचाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में नदी में के ओवरफ्लो होने की वजह से कोसी नदी का पानी रिजॉर्ट में घुसा है, रिजॉर्ट का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि नैनीताल जिले के रामगढ़ गांव में जहां बादल फटा था वहां से कुछ घायलों को बचा लिया गया है और अभी कितने लोग मलबे में दबे हो सकते हैं इसकी कोई भी संख्या का अभी तक नहीं पता चल पाया है। वहीं नैनीताल झील भी ओवरफ्लो होने की वजह से नैनीताल की सड़कों पर भी पानी आ गया है, इमारतों और घरों में भी जल भराव देखा जा रहा है, क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले दो दिनों से उत्तराखंड में हो रही बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हल्द्वानी की गोला नदी उफान पर है, नदी में सुबह से ही 9000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ऐसे हाल ही में 28 साल पहले यानी कि 1993 में ये हाल देखा गया था। गोला पुल भी मंगलवार को टूट गया है और यातायात को भी बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें जिले की तमाम सड़कों ने
तालाब की शक्ल ले ली है और इस बीच हल्दू चौड़ और लालकुआ के बीच हाटा ग्राम के पास गोला नदी के बीचों बीच एक हाथी के फंसे होने की सूचना सामने आई। एक वीडियो में ये देख सकते हैं आप वीडियो में कि दोनों तरफ उठान के बीचों बीच एक टापू पर हाथी फंसा हुआ है जो इधर उधर जाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से हाथी बाहर नहीं निकल पा रहा है। बारिश बंद होने के बाद भी पानी का जलस्तर कम होने के बाद ही उसे बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा रिकॉर्ड बारिश की वजह से गोला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोला नदी के तटवर्ती इलाकों में लगातार कटाव होने की खबर भी सामने आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।